जयपुर जवाहर कला केंद्र में उस्ताद साबिर सुल्तान खान के सारंगी वादन, विदुषी सुनंदा शर्मा के गायन व पंडित नयन घोष के सितार वादन ने श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। जवाहर कला केंद्र में चल रहे 5 दिवसीय मल्हार महोत्सव का कल समापन हुआ। समारोह में उस्ताद साबिर सुल्तान ने राग मेघ में 3 ताल विलंबित व द्रुत में घराने की बंदिशें प्रस्तुत की, तो वहीं विदुषी सुनंदा शर्मा ने राग सुर मल्हार में ख्याल व पंडित नयन घोष ने वर्षा ऋतु से संबंधी रागों की प्रस्तुति दी। आभारी हूँ और मल्हारपुरी फेस्टिवल पूरी टीम का बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इस गुलदस्ते का एक हिस्सा बना और इसके फूल की स्मेल मुझे मिली। और बस मैं खुदा से, ईश्वर से दुआ करता हूँ कि ये ऐसे ही चलता रहे। इस तरह के जो उत्सव हैं, जो फोकस करके, जैसे सुबह के राग हैं या शाम के राग हैं, सीजन के राग हैं, मल्हार रेनी सीजन पे ये जो मल्हार गाए जाते हैं उसके ऊपर जो फोकस करके 5 दिवसीय ये जो कार्यक्रम शबाना डागर और उनकी फैमिली ने किया है, ये बहुत सराहनीय है। और इसमें कितने सारे कलाकार इसमें आए और ये सजा ये मल्हार उत्सव, तो इसमें शामिल होके मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ। मल्हार उत्सव मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और हमारी सोसाइटी उस्ताद इमामुद्दीन खान डागर, इंडियन म्यूज़िक आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी और संगीत नाटक अकेडमी जवाहर कला केंद्र हमारा वेन्यू, ये 5 दिवसीय कार्यक्रम हमने करा और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे इसमें कलाकार, सुबह की भी सभा रही, गुनीजन सभा रही जिसमें इंटरैक्शंस रहे और छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी रहे, मॉर्निंग सेशंस भी रहे, कॉन्सर्ट्स भी रहे और इवनिंग के अंदर हमने काफ़ी अच्छे बड़े बड़े कलाकारों को यहाँ पर प्रस्तुति दी और बहुत सारी बड़ी संख्या में हमने ऑडियंस को भी यहाँ देखा।